टे इन दिस शॉर्ट वीडियो सेशन आई विल टॉक अबाउट दल्टीप्लेक्सर्स इन सी मोस टेक्नोलॉजी लाइक वी हैव टॉक अबाउट दी मल्टीप्लेक्सर्स अर्यर हम उसका कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और हमने ये देखना है कि मल्टीप्लेक्सर्स को अब सीमोस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है और उसके किस तरह के कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप लोग का मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स नो दैट द आर कंसीडर्ड टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी इन मॉडर्न सीमोस्ट एक्ट बिकॉज हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं वो एक एज अ सिलेक्टर स्विच एक्ट करता है सेलेक्टर स्विच मीन्स के वो लाइक सेलेक्ट करता है फ्राम डिफरेंट नैटवर्क लाइक बिटवीन डिफरेंट नैटवर्क एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट लाइक मॉड्यूल्स सो इनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सीमोस टेक्नोलॉजी मल्टीप्लेक्सर का जो बेसिकली एक सैम्पल है वो इस तरह का होता है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होती हैं हमारे पास सेलेक्ट लाइन्स होती हैं और हमारे पास एक हमारे पास आउटपुट होती हैं तो जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इनपुट्स उसी की तरह इसी की बेस पे बेसिकली हमारे पास सेलेक्ट लाइंस लाइक डिसाइड की जाती हैं एंड देन डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑन आवर सेलेक्ट लाइन्स हमारी यहाँ से कोई ना कोई एक, एक इनपुट सेलेक्ट करके उसको आउटपुट के साथ कोनेक्ट कर दिया जाता है इधर वी कैन से इट इज़ कोनेक्टेड विद आउटपुट और वी कैन से इट इज़ ट्रांसफर टू दूटपुट आउटपुट नोट सो इस तरह से हमारा जो मक्स है वो बेसिकली काम करता है मल्टीप्लेक्सर जो है हमारा काम करता है नंबर ऑफ स्टेक्ट लाइन्स जो हैं इनको आप रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं लाइक दे डिपेंड ऑन एन एन इज़ बेसिकली और इनपुट लाइन्स एंड एम इज़ और नंबर ऑफ़ सेलेक्ट लाइन्स सो इस फार्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी सेलेक्ट लाइन्स होनी चाहिए फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ इनपुट्स so starting with a simpler model uh, we have seen this model earlier like the, the 2 to 1 multiplexer like 2 to 1 multi multiplexer means we have two inputs we have one output and obviously we have one single select line this select line basically decides either we are connecting a to the z, uh, z terminal or b to the z terminal so this depends on uh, on this select line and ट्रुथ टेबल ऑफ दिस मर्स इज रिप्रेजेंटेड हेर लाइक वी हैव एस इज इक्वल टू जीरो एंड देन ऑब्वियसली दिस जी विल बी एंड इफ वी हैव वन दैन इट विल्वल टू बी इसको हम बेसिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास एस की वैल्यू जीरो होगी मीन सेलेक्ट लाइन की वैल्यू जीरो होगी तो आउटपुट पे ए ट्रांसफर होगा अगर वन होगी तो बी ट्रांसफर होगा सो इट इज वेरी सिंपल इन लाइक फॉर ऑबली टू टू वन मर्स सो वट वी हैव टू ऑ ऑब्जर्व दिस के हमारे पास कितने डिफरेंट वेज हैं या ऑब्वियसली uh, किस तरह के हमारे पास वेज हो सकता है टू डिजाइन आवर मल्टी मल्टीप्लेक्सेस फर्स्ट वन इज वी विल लुक एट देरी लॉन्ग मॉडल के उसको हम वेरी लॉन्ग वे किस तरह से मॉडल कर सकते हैं द फर्स्ट मॉडल वी आर वी आर गोइंग टू लुक इज अवियर मॉडल यूजिंग ऑब्वियसली के स्टेटमेंट्स इन दिस मॉडल हमारे पास इस टेबल को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ कैन वी सिलेक्ट द आउटपुट आउटपुट वैल्यू लाइक वैल्यू एट दैट अपीय ऑन दिस जी नोड फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कोड हेयर इफ आई जूम इट इन सो आई थिंक इट इज बेटर नाउ हमारे पास देखें यहां पे हमने एक मॉड्यूल डिफाइन किया हुआ है आ, हमने उसको इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन की हुई हैं जैसे हमारे पास जी जो है वो हमारे पास आउटपुट है तो हमने यहाँ पे आउटपुट डिफाइन की है ए और बी इनपुट्स हैं और ऑब्वियसली एस भी इनपुट है तो हमने ये तीनों जो है एज एन इनपुट डिफाइन किया तो एज अ केस स्टेटमेंट यहाँ पे हम जो केस बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं वो हम एस सिग्नल पे अप्लाई कर रहे हैं एस सिग्नल इज हेयर लाइक इस पे हम लोग केस अप्लाई कर रहे हैं अब केस में हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि वी आर वी आर चेकिंग इधर इफ लाइक वैल्यू ऑफ एस इज देन जी विल बी इक्वल टू ए लाइक हेयर यू कैन सी दैट लाइक जी इक्वल टू ए एंड सिमिलरली इफ एस इज इक्वल टू वन इट मीन जी विल बी इक्वल टू बी सो दिस इज अ वेरी सिंपलर मॉडल लाइक विच इज नाउन एज अ बिहेवियर मॉडल इन दिस मॉडल लाइक दिस मॉडल बेसिकली प्रेजेंट्स अ हायर लेवल मॉडलिंग लाइक like, इसमें कोई भी हमारे पास लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है हम लाइक लोअर लेवल मींस के किसी गेट लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है कोई ट्रांजिस्टर लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है ये हम एक हायर लेवल की मॉडलिंग करते हैं हम उसमें लाइक लोअर लेवल को बिल्कुल भिल, इग्नोर करते हैं लाइक like, हम ये कह सकते हैं कि हम उसका बिहेवियर को मॉडल कर कर रहे हैं दैट इज इज इट हैंज अवियर मॉडल सो इसको यूज करके हम अपना एक मक्स जो है वो ईजिली डिजाइन कर सकते हैं the next thing is like how we can we can design it using the CMOS tech. So CMOS के लिए हमें obviously पहले सबसे पहले तो हमें gates देखने पड़ेंगे कि हम gates को use करके किस तरह से mux design कर सकते हैं. So this is a simplest circuit के जहाँ पे हम ये ये दिखा रहे हैं कि दो NAND gates को use करके sorry तीन NAND gates को use करके और दो inverters को use करके आप लोग mux को design कर सकते हैं. वी हैव टू नॉर्थ गेट्स लाइक दीज टू नॉर्थ गेट्स आर यूज एट इनपुट टर्मिनल अब ये नॉर्थ गेट्स क्यों यूज हो रहे हैं दो नॉर्ट गेट्स क्यों यूज हो रहे हैं एक नॉर्थ गेट तो लाइक समझ आती है कि हम ये वाला जो पहला नॉर्थ गेट है हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली इनपुट को आप इन्वर्टेड इनपुट यहाँ पर फीड करना चाह रहे हैं दी नेक्स्ट इन्वर्टर इज बेसिकलीन दिन लाइक इनपुट सिग्नल सो वी आर फीडिंग ये डबल इन्वर्टर यूज करने का बेसिकली पर्पस ये है कि ये ड्राइवर आपके पास जो गेट्स हैं ड्राइवर नॉट गेट्स हैं तो ड्राइवर नॉट गेट्स का पर्पस ये है कि आपकी जो इनपुट सिग्नल है उसको दोबारा से फुल आउटपुट पे सॉरी फुल आउटपुट पे ट्रांसफर किया जा सके ये जब भी सर्किट्स में यूज कर रहे हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो सर्क यहाँ पे जो बेसिकली सिग्नल रिसीव हो रहा है वो लाइक मे बी इट इज इट इज अ वीक सिग्नल और मे बी इट इज ड्रॉप्ड ड्यू टू सम रेजिस्टेंस एंड कमेस्टेंसिस सो दिस ड्राइवर्स ड्राइवर नॉट गेट्स आर यूज सो दैट हम इस जो हमारे पास जो सिग्नल आ रहा है यहाँ पे इसको हम दोबारा से वी डी और इसको ग्राउंड पे हम ट्रांसफर कर सकें मीन्स उसको हम शिफ्ट कर सकें

वी हैव टू टीमोज एंड वी हैव ऑबली टू एनमोस तो हमारे पास ये दो तरह के लाइक हमारे पास ये टोटल जो अगर हम गेट काउंट करें तो हमारे पास नॉर्थ गेट्स के लिए हमें फोर ट्रांजिस्टर्स चाहिए हमारे पास जो ये तीन हमारे पास नैन गेट्स हैं इनके लिए हम, हमें तकरीबन ट्वेल्व मॉसफेड्स चाहिए तो इन टोटल हमारे पास जो लाइक ये बनते हैं मोसफर्ड्स बनते हैं वो टोटल सिक्सटीन मोसफर्ड्स बनता है और ऑब्वियसली इफ़ वी आर नॉट लाइक हम इस ड्राइवर को इग्नोर करते हैं लाइक ये वाला जो हमने एक एक्स्ट्रा ड्राइवर यूज़ किया हुआ है इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो हमारे पास 14 जो है नंबर ऑफ मॉसवेट्स होंगे जो कि इस पूरे सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकता है एंड इफ़ वी कंसिडर नंबर ऑफ लाइक ट्रांजिस्टर्स इट इज़ अवज नंबर लाइक एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स उनमें उन मॉडल्स में, उन में जो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है वो है हमारे पास ट्रांसमिशन गेट्स का वी हैव सीन अर्लीयर के ट्रांसमिशन गेट्स जो है बेसिकली वो यूज किया जा सकता है टू रिड्यूस हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिसमें हमने गेट्स डिजाइन किए हैं ये सीमोस का साइज रिड्यूज कैसे करता है वो इस तरह से रिड्यूज करता है कि उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज होता है सो so, so, दैट्स उसका मॉडल हमारे पास यहाँ पे आपको शो किया गया अब इसको आप एनालाइज uh, कर सकते हैं कि हमने ये ये सॉरी uh, ये ये सर्किट हमने एक अपने पहले लेक्चर में देखा था अब इसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास ये जी पे आउटपुट क्या आएगी इधर ए विल बी ट्रांसफर टू जी और इधर लाइक बी विल बी ट्रांसफर टू जी क्योंकि एक टाइम पे एक नेटवर्क ऑन होगा इधर इट विल बी एन अपर नेटवर्क और इट विल बी एन लोअर नेटवर्क सो जो भी यहाँ पे ऑन होगा तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी अब ये यह, यहाँ पे पी मोस और एन मोस दोनों यूज हुए एक टाइम पे दोनों ऑन होंगे क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एस की वैल्यू अगर वन होगी सॉरी एस की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये पी मोस ऑन होगा एस की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये है कि एस इन बार की वैल्यू जो है वो वन होगी तो ये भी ऑन होगा जब ये दोनों ऑन होंगे तो इट मीन अगर ए पे जीरो वैल्यू आएगी तो वो एन मोस से ट्रांसफर हो जाएगी और ए पे अगर लाइक वन वैल्यू आएगी तो ये पी वो से ट्रांसफर हो जाएगा एंड यू नो दैट वाई आर वी आर लाइक कंसिडरिंग एन मोस फॉर जीरो वैल्यू एंड पी वो फॉर लॉजिक वन वैल्यू सो इन दिस डायग्राम लाइक वी हैव टू मोस्फेट्स फॉर ट्रांसमिशन गेट्स लाइक वी हैव टू हेयर टू हेयर एंड ऑबियसली टू मोस्फेट्स फॉर इच बफरिंग नॉट नॉट गेट लाइक हमारे पास जो ड्राइवर सर्किट्स होंगे वो हमारे पास फोर हो जाएंगे लाइक टू ड्राइवर्स इट मीन्स वी हैव फोर नॉट गेट्स सो जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है वो रिड्यूस हो गया है टू ओनली एट मोस्फेट्स इट वॉज अर्यर लाइक इट वॉज इन आर प्रीवियस एग्जाम्पल इट वॉज सिक्सटीन सो so, अब जो हमारे पास टोटल काउंट है वो एट है तो आप एट गेट्स को यूज करके एट्स को यूज करके अपना एक मक्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं हाफ ऑफ प्रीवियस डिजाइन बट बट वन इशू लिमिट्स यूज ऑफ ट्रांसमिशन गेट्स इज ऑफ पैरासिटिक एंड पैरासिटिक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिज So, जो ट्रांसमिशन गेट्स हैं उसमें पैरिस्टिक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हाई होती है और, और इस हाई होने की वजह से ट्रांसमिशन गेट्स का जो यूज है बेसिकली वो थोड़ा लिमिट हो जाता सो द नेक्स्ट थिंग और द नेक्स्ट मॉडल इज नॉन एज द ट्रांजिस्टर दास लॉजिक इन ट्रांजिस्टर पास लॉजिक वी हैव लाइक वी हैव दिस मक्स दैट इज टू टू वन मक्स दैट इज डिजाइड ओनली एनफेट्स इन एफ एनफेट्स को यूज करके हमारा डिजाइन बनाया जाता है so, सो अगर इस मॉडल में अगर आप देखें तो आपके पास एक एनवो जो है वो पी लाइक लाइक फर्स्ट इनपुट के लिए है और एक एनवो जो है हमारी सेकेंड इनपुट के लिए एंड वी हैव कनेक्टेड आर नॉट गेट एट आउटपुट। एंड इफ यू काउंट द ट्रांजिस्टर्स नाउ वी हैव

वन uh, आएगी वो वीक होगी वीक इन अ सेंस के यहाँ पे अगर वी आउट की वैल्यू अगर आप लॉजिक वन कंसिडर करेंगे तो दैट विल बी वी डी डी माइनस वीटीएन इट लेस देन वीडीडी मीन्स हमारे पास जो थ्रेश होल्ड वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगी यहां पे. तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली ये होगी वी आउट इज इक्वल टू वी डी डी माइनस एन सो इट मीनस हमारे पास जो फुल आउटपुट है वो नहीं आ रही तो फुल आउटपुट अचीव करने के लिए एक इन्वर्टर सर्किट लगाया जाता है जब इन्वर्टर सर्किट लगाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है उस पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मा, मा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि हमारी जो आउटपुट है वो फुल रेल आउटपुट बन जाएगी सो टोटल काउंट इज नाउ एट मॉसवर्ट्स लाइक अब हमने ये इन्वर्टर ऐड कर दिया है इनिशियली इट वॉज सिक्स बी एडेडर है अब हमारे पास जो ट्रांसमिशन गेट वाला मॉडल था उसमें भी एटेयर यूज हो रहे हैं और जो हमारा ये पा, ट्रांजिस्टर पास लॉजिक वाला मॉडल है उसमें भी ए ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं सो इट मीन्स के हमारे पास जो जो गेट काउंट है वो तो इक्वल है लेकिन ये वाला जो नेटवर्क है जिसे हम ट्रांजिस्टर पास लॉजिक कह है रहे हैं इसमें जो पैरासिटिक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है ये लोअर होती है एज कम्पेयर टू और प्रीवियस मॉडल सो ऑब्वियसली वी हैव स्टडीड अर्लियर कि हमारे पास जो Parasitic resistance and capacitances, eh? they are very important factors because they add to the rise times, fall times, and propagation delays, and they affect the maximum switch switching frequency. So we 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 may choose this model here, like we we may choose this model, this transistor pass logic, because it uses less number of transistors and it has uh, lower parasitic resistance and capacitance as compared to the transmission gate models. So this was a simpler design which which uh, which basically presents a 2 to 1 mux now we have to design a 2 to uh, sorry now we have to basically talk about the 4 to 1 multiplexer it is a bit complex model as compared to the 2 to 1 mux and it has 4 inputs like p0 p1 p2 and p3 and it has two select lines that can be calculated uh, from the formula that we uh, like uh, that we talked about earlier in this in this session so the truth table of this mux basically highlights the connection how we can connect the output to the input here you can see that Jo जब हमारे पास की वैल्यू जीरो होंगी तो इट मीन हमारे पी वन होगा जीरो तो पे पी टू एंड वन वन पे पी थ्री सो इसी तरह हमारे पास जितनी भी इनपुट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं आउटपुट पे सो हाउ कैन वी डिजाइन दीज फोर टू वन मल्टीप्लेक्स फर्स्ट ऑप्शन इज वी विल लुक

हमारे पास इनपुट्स हैं लाइक हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इनपुट्स हैं हमने यहाँ पे इनपुट्स डिफाइन किए हैं लाइक पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री एस नॉट एंड एस वन और हमारे पास एक आउटपुट है जिसे हमने एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने केस स्टेटमेंट यूज की है हम एस वन और एस नॉट पर केस लगा रहे हैं अगर हमारे पास एस वन और एस नॉट की वैल्यू जीरो है तो हम ये आज कर रहे हैं कि सॉरी हम ये यह, हाँ यहां पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि पी not जो है वो एफ पे ट्रांसफर हो जाएगा इफ वी हैव वन वी आर वन विल बी ट्रांसफर्ड टू एंड थ्री सो द वैल्यूज विल बी ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट सो हमारे पास इस तरह से आप बिहेवियरल को मॉडल कर सकते हैं और दिस इज अ वेरी लॉ बिहेवियरल मॉडल फॉर आवर 4 टू 1 मक्स सिमिलरली जैसा हमने पहले देखा है कि यहाँ पर भी लाइक like, एक हायर लेवल मॉडल प्रजेंट किया गया है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गेट लेवल की और ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर लेवल डिजाइन की तो हम एक बिहेवियर को मॉडल कर रहे हैं वेरी लॉक को यूज़ करके आप इस तरह से मॉडल कर सकते हैं देट इज़ वेरी ईजी टास्क बट वी हैव टू लुक वी हैव ऑल्सो लाइक ऑबियसली वी हैव टू लुक एट दी गेट लेवल मॉडल और दी लाइक ट्रांजिस्टर लेवल मॉडल सो so, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आपने फोर टू वन मक्स डिजाइन करना है तो आप उसको लाइक थ्री टू टू वन मक्सिस यूज करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं लाइक वी हैव टू मक्सिस इन दिस स्टेज एंड वी हैव वन मक्स एट दी आउटपुट स्टेज एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मक्स लाइक वी हैव डिफरेंट स्टेज एंड वी आर वी आर बेसिकली डिसाइडिंग दी आउटपुट वैल्यू है अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो पहला स्टेज है स्टेज दिन इज दिलेक्ट लाइन ऑफ स्टेज वन इज एस नॉट यहां पे अगर आप देखें तो एस नॉट बेसिकली ये कर रहा है कि वो सिलेक्ट करता है फ्रॉम लाइक इधर इट विल सेलेक्ट पी नॉट और पी वन फ्रॉम दिस दिस मक्स और इट विल सेलेक्ट पी टू और पी थ्री फ्रॉम दिस मक्स इट मीन्स के हमारे इस लाइन पे इधर पी नॉट ट्रांसफर होगा या पी वन ट्रांसफर होगा और यहां पे भी इधर पी टू ट्रांसफर होगा या पी थ्री ट्रांसफर होगा तो अगर यहां पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एस नॉट की वैल्यू जीरो थी यहां पे पी नॉट ट्रांसफर हो जाएगा और यहां पे हमारे पास पी टू ट्रांसफर हो जाएगा तो देन विल हैपन इज लाइक विल है वैल्यू ऑफ एफ दैट डिपेंड्स ऑन दिस दिसन एस वन अगर एस वन की वैल्यू जीरो होगी तो पी नॉट यहां से ट्रांसफर हो जाएगा आउटपुट पे अगर इसकी वैल्यू वन होगी तो यहां से पी सॉरी uh, यहां से जो पी टू है वो ट्रांसफर हो जाएगा एफ पे सो दिस इज अ स्टेज मक्स वहां पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि पहली स्टेज पे हमने क्या आउटपुट पे भेजना है लाइक like, uh, पहली स्टेज पे हमने बेसिकली नेक्स्ट स्टेज पे क्या भेजना है और सिमिलरली वी डिसाइड एट द फाइनल स्टेज कि हमारे पास आउटपुट पे कौन सी वाली लाइन का डाटा जाएगा सो इट मीन्स कि हमारा जो पाथ यहाँ से बन रहा है वो बेसिकली ये पाथ बन रहा है फ्रॉम पी नॉट टू दिस पॉइंट एंड देन टू द आउटपुट सो दिस इज आवर फोर टू वन मक्स यूजिंग टू टू वन मल्टीप्लेक्सेज एंड इफ वी वॉन्ट मॉडल आप यहाँ पे देखें इन वेरी लॉन्ग मॉडल इट इज वेरी सिंपल ये वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल uh, है या कोड है ये बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है फॉर एस नॉट फॉर फॉर ऑबलीस वन हेयर हमारे पास ये वाला जो लाइन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास पी नॉट पी वन को और अगर हम इसको देखें ये वाला जो बेसिकली ये वाला जो कोड है यहाँ से लेके और ऑब्वियसली ये वाला हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे इस लेवल को इस पॉइंट को तो दिस इज वेरी सिंपल के हम यहाँ पे असाइन स्टेटमेंट्स को यूज करके कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं और उस पर हम ये चेक कर रहे हैं कि लाइक इधर फ्राम एस नॉट यूजिंग एस नॉट वी विल ट्रांसफर इधर पी टू पी थ्री Like uh, like here, either we will transfer P2 or P3, or we will transfer from P0 or P1, uh, uh, one single value from P, P0 and P1. So this is a very simple model, and this is known as the very log behavioral model as well. Next, we are given with a NAND gate design. This gate design, may have pass different NAND gates used to implement the 4 to 1 mux model. And we have here uh, we uh, here we have some driver circuits like which are basically used as at, at at the input ports so we is sare design co isare is circuit ko model Karna chahe, using our very low model, though it is not very tough task, to but obviously it is very simple. How it is simple is like we have to define our, all the signals like we have output we have uh, like these four inputs here. and then we have इंटरनल सिग्नल्स which are represented here with रेड कलर w1 w2 w3 and w4 थ्री एंड डब्ल्यू फोर तो आप इन सारे सिग्नल्स को यूज़ करके अपना जो मॉडल है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मॉडल है या मतलब हमारे पास ये एक नैन गेट है अब ये नैन गेट बेसिकली इसको रिप्रजेंट कर रहा है दिस इज नैन गेट वन वन है अब देखें इस नैन गेट वन की इनपुट्स क्या क्या है और पहले इसकी ये देख लें इसकी आउटपुट क्या है हमने इसकी आउटपुट को रिप्रेजेंट किया हुआ है विद डब्ब्ल्यू वन हमने यहां पे डब्ल्यू वन लिख दिया क्योंकि द कन्वेंशन इज कि यहां पे पहले जो है वो आउटपुट आनी चाहिए देन ऑल द इनपुट्स क्या क्या इनपुट्स हैं फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट कहाँ पे कनेक्टेड है ये पी नॉट पे कनेक्टेड है ये इनपुट जो कनेक्टेड है ये बेसिकली एस नॉट पे कनेक्टेड है एस नॉट बार पे कनेक्टेड है एंड दिस इनपुट इज कनेक्टेड टू एस वन बार पे ठीक है तो हमने यहाँ पे एस नॉट बार एस रेस्टम बार लिख दिया मीन इनको हमने इन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड कर दिया सो वी आर हेयर हमने कोई सेपरेट इन्वर्टर यूज नहीं किया हुआ हम सिर्फ यहाँ पे इनवर्ट लाइक uh, like, uh, एक टिल्ला यूज़ कर रहे हैं ये एक सिंबल है ये टिल्ला यूज कर रहे हैं तो इससे हम लोग बेसिकली ये डिसाइड कर रहे हैं कि एस नॉट जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा सो इट इज़ सेम लाइक के नॉट गेट एक यूज किया जाए अपने सर्किट डिज़ाइन में सिविलरली सेकेंड लाइक द सेकेंड नैंड गेट है ये वाला जो सेकेंड नैंड गेट है इसकी आउटपुट जो है डब्ल्यू टू है इसके इनपुट जो है लाइक एस वन बार है और आपके पास एस नॉट है आप इस तरह से सारों को ट्रैक आउट कर सकते हैं और इसी तरह हमारा जो फाइनल है ये वाला जो हमारा लैंड गेट है ये हमारे पास लाइक फोर इनपुट नैंड गेट है हमारे पास फोर इनपुट है डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर जो कि बेसिकली uh, जो uh, जो इसका अर्लीस्ट स्टेज अर्लियर स्टेज लाइक दिस स्टेज वाज लाइक इस स्टेज का आउटपुट था तो W1, वन डब्ल्यू टू थ्री एंड फोर ये सारी की सारी इनपुट है हमारे नेक्स्ट नेट गेट की और इसकी जो आउटपुट है हमारी फाइनल आउटपुट है तो वेल लॉग मॉडल को यूज करके आप अपना जो बेसिकली कोई भी गेट लेवल मॉडल है उसको आप इस तरह से डिजाइन कर सकता है सो so, दिस वॉज आर सिंपलेस्ट मॉडल और अगर आप इसकी इक्वेशन देखना चाहें तो इसकी इक्वेशन बड़ी सिंपल है अगर आप इसको ऑब्जर्व करें फर्स्ट पॉइंट है नॉट दिस एडिशन पार्ट लाइक इस एडिशन पार्ट से पहले पहले ये पी नॉट है दैट इज एंड एस वन लाइक बार डॉट एस एस नॉट बार और ये पॉइंट बेसिकली आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस इस इनवर्टेड लाइक नैन गेट को और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें ये आपका सेकेंड हैंड गेट है ये आपका थर्ड है और सिमिलरली आपका फोर्थ हैंड गेट है सो दिस इज दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर टू वन बक्स अब इसमें जो नंबर ऑफ गेट्स होंगे ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ गेट्स यूज हो रहे हैं अगर आप काउंट करना चाहें तो फोर फोर लाइक मोस्फेट्स आर यूज फॉर वन नैन गेट अगर आप ये काउंट करें तो आपके पास नैन गेट्स के लिए जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो तकरीबन तो ट्वेंटी बनता है और अगर आप इन इन्वर्टर्स को भी ऐड कर लें साथ तो इन्वर्टर्स के हमारे पास जो है टोटल एट गेट्स यूज होंगे सो इट मीनस हमारे पास जो टोटल नंबर है मोस्टेट्स का वो ट्वेंटी एट है सो दिस इज अज नंबर सो वी वॉन्ट टू रिड्यूस दी ट्रांजिस्टर काउंट ट्रांजिस्टर काउंट को रिड्यूस करने के लिए जो पहला टेक्निक है जो यूज की जाती है दैट इज एन पास लाइक एनफेट पास ट्रांजिस्टर्स अब ये एनफेट पास ट्रांजिस्टर्स ये हैं कि इसमें लाइक ये यूज करते हैं एंड लॉजिक ऑफ एनफेट हमने ये एक एक्सप्रेशन देखी है कि अगर हमारे पास एक लाइक एनफेट है उसके एक, एक साइड पे पी नॉट है और उसको एक कंट्रोल सिग्नल एसमन बार कर रहा है तो इसकी आउटपुट पे क्या वैल्यू जाएगी ठीक है तो ये एक्सप्रेशन हमने पहले देखी हुई है तो इसको यूज करके बेसिकली ट्रांसफर किया जाता है पी नॉट टू दी आउटपुट लाइक यहां पे अब यहां पे अगर देखें फॉर दिस केस वन हेयर फॉर द पी ओर नॉट केस इफ वी वॉन्ट टू ट्रांसफर दिस पी नॉट टू आर आउटपुट इट मीन्स दैट हमें ये वाला जो लाइक uh, एनफेट like है इसको ऑन करना पड़ेगा और हमें इसको भी ऑन करना पड़ेगा ताकि दिस पाथ इज क्लियर लाइक फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट फ्रॉम हेयर टू टू दिस पॉइंट सो इसको ऑन करने के लिए बेसिकली हमें एस uh, की क्या वैल्यू चाहिए अगर हमें इसको ऑन करना है तो बेसिकली हमें यहाँ पे वन चाहिए अगर इस टर्मिनल पे हमें इस टर्मिनल पे वन चाहिए अगर इस टर्मिनल पे वन चाहिए तो इट मींस एस वन शुड बी इक्वल टू जीरो सो दैट इसका बार जो है वन हो और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करे सिमिलरली एस नॉट शुड बी इक्वल टू जीरो सो हमें एक, एक केस ऐसा चाहिए जहां पे इन दोनों की वैल्यू जीरो हैं और हमें ये दोनों ऑन करके दे रहे हैं अगर एस वन जीरो है तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो लाइक एस नॉट भी जीरो है तो ये वाला ऑन नहीं होगा तो इट मीन्स दिस पाथ इज़ नॉट कनेक्टेड टू आउटपुट सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे तो एस वन जो है वो भी जीरो है तो दिस वन इज़ ऑल्सो नॉट कनेक्टेड टू आउटपुट यहाँ पे भी ब्रेक आ जाता है ये पी थ्री भी कनेक्टेड नहीं है तो इट मीन्स ये जो सर्किट है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक टाइम पे एक ही पी नॉट जो है वो बेसिकली सॉरी oh लाइक like, एक टाइम पे एक ही जो इनपुट है वो आउटपुट से कनेक्टेड होगी अदरवाइज और कोई लाइक एक के अलावा कोई और आउटपुट जो है वो आउटपुट पे कनेक्टेड नहीं हो सकती एंड इफ इफ यू वांट टू कंपेयर दिस वेरी लो कोड लाइक दिस हेयर इस एनमोस में अगर आप देखें तो आपके पास जो इनपुट इनपुट टर्मिनल था वो हमारे पास पी नॉट था तो हमने पी नॉट को यहां पे मैंशन किया एट फर्स्ट पॉइंट Then we have the other uh, side of our p not uh, sorry, NMOS that is represented by W0. Or then we have the input like the gate terminal. Gate terminal is S1 bar. So we have as S1 bar This is the third point. If you have this NMOS, ko dekhe, the, NMOS is, uh, the second NMOS here is this one. This अगर आप इस में को देख रहे हैं तो इसमें देखें आपकी एक साइड पे हमारे पास डब्ल्यू नॉट है जो कि हमने ये रिप्रेजेंट किया हुआ ये जो है, ये को ही कर रही है और, देन वी है अंडरस्कोर जीरो और वो ये वाली लाइन है इस साइड पे ये वाली इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है।, देन वी है, एस तो ये एस जो है ये इस गेट टर्मिनल पे आएगा यहाँ पे तो इस तरह से आप अपना मोस्फर्ट्स को सॉरी अपने जो एनफेट लॉजिक है उसको यूज करके आप फोर टू वन मल्टीप्लेक्स बना सकते हैं अब यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स काउंट करना चाहें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं वो है लाइक फोर एंड फोर एट एट एंड फोर ट्वेल्व सो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ट्वेल्व जो कि हमारा जो पहला डिजाइन था उसमें ट्वेंटी एट ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे थे अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली है कि हमने यहाँ पे दो इन्वर्टर जो है वो यूज किया हुआ अब वाई वी हैव यूज लाइक एन फिट वी नो दैट एन फिट कैन नॉट पास स्ट्रॉन्ग ओवरकम दिस इश्यू, वी है इन इन्वर्टर को यूज करने से होगा क्या कि हमारे पास अगर कोई वीक लॉजिक वन और वीक लॉजिक जीरो आती है तो ये इन्वर्टर जो है बेसिकली उसको दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेज पर ले जाएंगे मतलब उसको इधर uh, उसको वी डी डी पर ले जाएंगे और उसको ग्राउंड पे ले जाएंगे सो दिज आर बेसिकली ड्राइवर ड्राइवर नाउट गेट्स सो द आइडिया ऑफ ऑल दिस डिस्कशन वॉज लाइक हम ये देखें कि हम अपने सर्किट्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं हमने इनिशियल कुछ सर्किट्स तो देखे हैं अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइड पे आ रहे हैं तो हमने अभी ये देखना है कि ये सर्किट्स हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं सो आई विल अपलोड सेपरेट वीडियो फॉर फॉर डिजाइनिंग दिस मक्स लाइक like दिस this दिस डाइग्राम हेयर दिस मक्स हेयर in माइक्रोविन So उसके लिए एक अलग से वीडियो आप अपलोड मैं कर दूंगा वो बेसिकली आपने अंडरस्टैंड करनी है ऑब्वियसली आप अंडरस्टैंड उसको कर सकते हैं उसको देख के कि हम उसका मक्स डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं और ट्रांजिस्टर्स को कैसे प्लेस कर रहे हैं और उसकी इंटरकनेक्ट वायरिंग जो है बेसिकली उनको हम कैसे मॉडल uh, कर रहे हैं सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल जहां पे हमने ये कहा कि हमने सिर्फ एनफेट्स को यूज करके अपना मक्स डिजाइन किया है इसमें जो इशू आता है वो ये है कि हमारा जो फुल लेल आउटपुट है वो नहीं आती सो so, अगर हम फुल लेल आउटपुट चाह रहे हैं तो हमें एक मक्स यूज करना है जो बेसिकली पी मोस्ट एंड दोनों को बेसिकली यूज करके बना बना है सो so, इस वाले मक्स में हमारे पास जो हमारे पास जो पी नॉट है ये लाइक इधर इट कैन ट्रांसफर थ्रू पी मोस और इट कैन ट्रांसफर थ्रू एन मोस लाइक ये दोनों साइड से ट्रांसफर हो सकता है टू वर्ड्स आउटपुट। इट इज वेरी सिमिलर टू द लॉजिक ऑफ आर ट्रांसमिशन गेट्स इन सर्किट्स को यूज करके ये जो हमारे पास यहाँ पे सर्किट गिवन है इसको यूज करके आप फुल रेल आउटपुट जो है वो आप अचीव कर सकते हैं आपके पास टोटल जो आउटपुट आएगी वो जीरो टू वी डी डी आएगी और यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज रिस्टोरिंग बफर्स हमने यूज किए थे एट एट द आउटपुट इन और प्रीवियस एग्जाम्पल वो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है उसके बगैर भी हमारी आउटपुट जो है वो फुल रेल आउटपुट आएगी अब अगर यहाँ पे देखेंगे ये ऑपरेट कर रहा कैसे है तो उसके लिए हमें ये पी नॉट को ऑब्जर्व करता है इफ वी वॉन्ट कि पी नॉट ट्रांसफर हो टू आउटपुट तो इट मीन्स के हमारे पास ये वाला पाथ ये जो पाथ यहाँ पे है फ्राम टू एन मोस गेट्स ये वाला पाथ जो है क्लियर होना चाहिए सिमिलरली दर पाथ फ्रॉम दिस पी मोस ये वाला पाथ भी क्लियर होना चाहिए सो इट मीन्स के यहाँ पे जो पी मोस है ये कंडक्ट करना चाहिए और ये जो पी मोस है ये भी कंडक्ट करना चाहिए इट मीन्स एस नॉट शुड भी जीरो एंड एस वन शुड बी जीरो इफ एस नॉट इज जीरो एंड एस वन इज जीरो इट मीन्स एस वन बार इज वन एंड एस नॉट बार इज वन तो हमारे पास ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन होगा एंड दिस ट्रांजिस्टर विल बी ऑन इज वेल सो हमारे पास जो पी नॉट है वो ट्रांसफर हो जाएगा द आउटपुट और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास पी नॉट पे वैल्यू जो है वो जीरो आएगी तो इट मींस इट कैन ट्रांसफर थ्रू दिस लाइक एन मोस एंड इफ वी हैव अ वन वैल्यू एट दिस इनपुट नोड देन वी विल ट्रांसफर इट थ्रू दिस पी मोसेस so we have a full rail output we have uh, and full output from 0 to vdd and similarly we we have not used any buffer at this output because our output have full rail output area has buffer add connects with nahi. so this was two simple examples comparatively two simple examples where we can use 4 to 1 mux and 2 to 1 mux अब हमने डिजाइन करना है एन बिट मक्स अब एन बिट मक्स भी जो है वो बेसिकली सेम लाइंस पे आप यूज कर सकते हैं उसको ऐसा आपको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका एन बिट वर्ड्स हैं उसकी अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो वो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अगर आपका ए आई सिग्नल है और आपका बी आई सिग्नल है आपके पास दो दो सिग्नल हैं लाइक आपके पास ए है और आपके पास बी है तो आपने इनमें से कोई एक सिग्नल जो है आउटपुट पे ट्रांसफर करना है इधर आपने ये पूरे का पूरा वेक्टर ट्रांसफर करना है और आपने ये वाला वेक्टर जो है ये ट्रांसफर करना है एट दिस आउटपुट हेयर सो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं एंड लुकिंग एट दिस पिक्चर हेयर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक फोर बिट सॉरी हमने एट बिट मक्स डिजाइन करना है तो इट मीन्स के हमारे पास ये जो यूज हो रहे हैं टू टू वन मक्स यूज हो रहे हैं ये टोटल एट होने चाहिए ताकि हम जो है इन इनको लाइक इनको ज्वाइन करके यूज करके आउटपुट जो है हम ए टू वन मक्स जो है वह हम अचीव कर सकें एंड ओब्वियसली इन दिस कंडीशन ऑल मक्सुड शुड शुड बी कंट्रोल यूजिंग वन सिंगल लाइन लाइक वन सिंगल सेलेक्ट लाइन हमारे पास जितने भी मक्स होंगे उनकी एक ही सिलेक्ट लाइन होगी आप उनको मल्टीपल सेलेक्ट लाइन से कंट्रोल नहीं करेंगे अगर आप इसका वेरी लॉन्ग मॉडल देखना चाहें तो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल इसमें हमने सिर्फ ये काम किया हुआ है कि ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे। हमने सिर्फ यहाँ पे वेक्टर डिफाइन किया हुए हैं वेक्टर मींस के हमने बस डिफाइन की हुई है मींस जीरो टू सेवन यहाँ पे जैसे ये शो की गई है हमारे पास एट इनपुट्स हैं टोटल तो एट इनपुट्स को डिफाइन करने के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हमने कंडीशन ये लगाई हुई है कि अगर एस की वैल्यू जो है वो जीरो होगी तो आप एक चीज ट्रांसफर करेंगे अगर वन होगी तो आप एक चीज ट्रांसफर करेंगे तो दिस इज वेरी सिंपल आप बिहेवियर मॉडल जो कि आप वेरी लॉग में यूज कर सकते हैं सो दिस आवर सिंपलेस्ट डिस्कशन फॉर आवर मल्टीप्लेक्सर्स एट द एंड आई विल लीव यू विद अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज वेयर यू यू मे डिजाइन एट बिट मक्स यूजिंग टू टू वन मक्स दी ले आउट ऑब्वियसली बट मस्ट लुक लाइक लुक लाइक एस ऑन इन डाइग्राम मिलो यहाँ पे आ, हम इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो लेआउट है वो ऐसा नज़र आना चाहिए क्योंकि आपना Excel concept को करके आप ना एक सेल कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने ये बक्स डिज़ाइन करना है ये सेल कॉन्सेप्ट के बाद हम एक दफा पहले भी कर चुके हैं आपने उसकी एक एक्सरसाइज भी की थी तो आप उसको यूज करके अपना बक्स का मॉडल जो है वो आप कंप्लीट करेंगे So, this is it for this session. I will see you next session, inshallah.